दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Samsung Galaxy M14 5G स्मार्टफोन को Samsung Galaxy F14 5G स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग और गेमिंग के हिसाब से एकदम बढ़िया है, क्योंकि हमें PLS LCD पैनल मिल रहा है, भाई अच्छी बात है। और जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना भाई, आपको एकदम स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के अंदर हमें Exynos 1335 चिपसेट दिया गया जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और दोस्तों ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। और यहां पर एंटूटू स्कोर भी दोनों स्मार्टफोन्स का आता है 4 लाख के करीब, जो कि एक अच्छा स्कोर है। और अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो M14 के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, वहीं दूसरी तरफ F14 के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और वैसे दोस्तों दोनों स्मार्टफोन का जो कैमरा सेटअप है ना भाई, बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और जो M14 के अंदर तीसरा कैमरा है ना भाई, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भाई 50 मेगापिक्सल का, वो तो काफी अच्छी फोटो और वीडियो वगैरह आपकी क्लिक कर देगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोनों फोन्स के अंदर जो 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ दिया ना भाई, सिर्फ और सिर्फ यूजलेस कैमरा है, इनका कोई फायदा नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, सैमसंग ने अल्ट्रा वाइड कैमरा क्यों देना बंद कर दिया। जा पूछ क्या, पता क्यों बंद किया दोस्तों? क्योंकि उन्होंने भाई पैसे बचाने थे, बस यही कारण है। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर भाई हमें 6000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी दी गई है। लेकिन यार दोनों फोन सिर्फ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। भाई बैटरी में तो सैमसंग अच्छा काम कर रहा है 6000 mAh, लेकिन फास्ट चार्जिंग में ना उतना ही नीचे चला गया भाई, सिर्फ 25 वाट। ये हाल है सैमसंग के। और एक और जरूरी बात दोस्तों, दोनों फोन्स के बॉक्स में आपको कोई भी चार्जर नहीं मिलेगा यार, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। साथ ही दोनों फोन्स 13 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करते हैं। एकदम ट्रूली 5G कनेक्टिविटी का मजा आपको दोनों फोन्स में मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 3.5mm जैक और सिंगल स्पीकर हमें दोनों फोन्स के अंदर दिया गया है। साथ ही दोस्तों सिक्योरिटी के लिए यहां पर दोनों फोन्स के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि Samsung M14 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Samsung F14 स्मार्टफोन के 6+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए यार दोनों फोन्स के स्पेसिफिकेशन भाई ऑलमोस्ट सेम है, 100% सेम है। इसलिए यार अपने 1000 रुपए बचा के ना आप Samsung M14 स्मार्टफोन ही ले लो भाई, यही स्मार्टफोन सही में काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डील बना रहा है। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।